सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको लखदाता लाला बली सरकार की एक सच्ची और अनोखी घटना के बारे में बताएंगे, करिश्मे के बारे में बताएंगे कि जब एक आदमी ने पीर बाबा के दरबार को शहीद किया, चिरागों को तोड़ दिया, तो फिर उसके साथ क्या क्या हुआ। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, गढ़शंकर होशियारपुर जिले में एक शहर है गढ़शंकर, जहां पर लखदाता लाला बली सरकार का एक पावन दरबार बना हुआ है, जहां पर गद्दी नशी थे बाबा गुरुदेव चंद जी। ये उनके समय की बात है कि नवांशहर जिले में एक गांव है जहां पर लखदाता लाला बली सरकार का एक छोटा सा दरबार बना हुआ था, जिसके खेतों में वह दरबार बना हुआ था। उनके बुजुर्गों ने ये कहकर उस दरबार को तोड़ दिया, शहीद कर दिया कि मुसलमान तो अब पाकिस्तान चला गया है, इसका दरबार यहाँ पर क्यों बनाया गया है। वह लखदाता पीर जी को मुसलमान कहते थे, उन्होंने दरबार को शहीद कर दिया, उनके चिरागों को तोड़ दिया और उनके स्वरूप को और बाकी सामान को चलते हुए पानी में बहा दिया। उन्होंने दरबार को शहीद किया, चिरागों को तोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने ये काम किया और उनके घर में वीरानी आनी शुरू हो गई, बरकतों को उठा लिया गया और घर में गरीबी आनी शुरू हो गई। घर के जितने भी काम थे वह सभी बिगड़ने खराब होने शुरू हो गए। धीरे धीरे उस घर के हालात बहुत ज़्यादा माड़े हो गए। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले उनकी 3-4 गाड़ियां चलती थी, बड़ी गाड़ियां चलती थी और घर में बहुत पैसा था, हर तरह की सुख सहूलत थी उनके पास, उनको किसी कोई चीज़ की कमी नहीं थी पीर बाबा के रहमो करम से। लेकिन जब से उन्होंने दरबार को शहीद किया तो उनके बुरे दिन शुरू हो गए और घर में कोई कुछ नहीं बचा था, उनके पशु भी मर गए और जितनी गाड़ियां थी वह भी बिक गई और उनके घर में एक छोटी सी 3-4 साल की बच्ची थी, उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। वह हर जगह जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें सही रास्ते पर लेकर आए। वह पखंडी बाबा तांत्रिक चेलाओं के पास भी गए, लेकिन किसी ने भी उनको सही रास्ता नहीं दिखाया। थक हार कर जब उन्होंने देखा, सोचा कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा सभी परिवार ऐसे ही मर जाएगा, तो गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने उनसे कहा कि आप ऐसे करो, ऐसे आपका भला नहीं होगा, आपके दिन नहीं फिरेंगे, आप किसी कामल वली के पास जाओ, किसी कामल फकीर के पास जाओ, अब वही आपको सही रास्ता दिखाएगा और आपको सही दिशा में लेकर जाएगा और आपकी बिरानी दूर हो जाएगी, आपकी जो भी मुश्किलें परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी। थोड़ा समा और ऐसे गुजरा तो मांगने की नौबत आ गई, घर के लोग एक एक रोटी मांगकर खाने लगे। जब बद से बदतर हालात हो गए तो किसी ने उनसे कहा कि आप इधर उधर मत भटको, गढ़शंकर में लखदाता लाला बली सरकार का एक दरबार बना हुआ है जहां पर बाबा गुरुदेव चंद जी गद्दी नशीन हैं, आप उनके पास जाएं, वे पीरों के वली हैं, वे कामल फकीर हैं, वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपकी सभी परेशानियों को दूर फरमाएंगे। पहले तो उन्होंने वहाँ पर जाने से इनकार किया, लेकिन घर की औरतों ने और लोगों ने कहा कि आपको एक बार जाना चाहिए, नहीं तो आपका सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लोगों की और अपने घर वालों की बात मानकर उस घर के बुजुर्ग बाबा गुरुदेव चंद जी के पास गए। जैसे ही वह डेरे में उन्होंने अपना पांव रखा, दरबार पर सलाम किया, जैसे ही वह बाबा गुरुदेव चंद जी के पास गए तो पहले ही सरकार ने कह दिया, ऐ साक्ष्य तू यहाँ पर क्या करने आया है, तू तो कहता था कि मुसलमान पाकिस्तान चला गया है, अब तू सरकार के दरबार पर क्या लेने आया है। जबकि उस बुजुर्ग ने कुछ भी अभी नहीं बताया था कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और किस काम के लिए आए हैं।
बाबा गुरुदेव चंद जी ने उनके बताने से पहले ही उन्हें कह दिया। यह सुनकर वह बहुत हैरान हुए कि इनको कैसे पता लग गया कि हमने यह बात बोली थी। उनको लगा कि हाँ, हम सही ठिकाने पर आए हैं, सही स्थान पर आए हैं, यही हमारी अब सभी परेशानियों को दूर फरमाएंगे। बाबा जी की बात सुनकर वह सभी बुजुर्ग उनके पांव में गिर गए और रो रो कर माफी मांगने लगे। तो सरकार ने रहमत में आकर कहा कि जिस दिन से आपने सरकार के दरबार को शहीद किया है, उनकी बेअदबी की है, उसी दिन से ही आपके बुरे दिन शुरू हुए हैं। अगर आप अपने परिवार का, बच्चों का भला चाहते हैं, यह चाहते हैं कि पहले जैसे दिन आपके वापस आ जाएं, तो आप लखदत्ता लाला मलि सरकार के दरबार को बना दें, उनके चिराग करें, उनकी सेवा करें, बंदगी इबादत करें, तभी आपके परिवार के दिन वापस आएंगे, अच्छे दिन वापस आएंगे, जो पहले था उससे भी ज़्यादा आपको मिल जाएगा। अगर आपने दरबार नहीं बनाया तो धीरे धीरे आपका परिवार ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। सरकार ने उनको सभी बात बताई कि कैसे क्या करना है, लेकिन उसी परिवार में एक ऐसे बुजुर्ग थे जो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि हम पीर बाबा का दरबार तो बना देंगे, लेकिन पहले हमारे परिवार को ठीक करो, हमारे घर के हालात को ठीक करो। यह मेरी पोती है, इसकी आंखों की रोशनी चली गई है, पहले इसे ठीक करो, तभी हम दरबार बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। उनकी बात सुनकर बाबा गुरुदेव चंद जी मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने रहमत में आकर कहा कि ठीक है, आप पीर बाबा का दरबार बनाना शुरू करें। जब तक पीर बाबा का दरबार बनेगा, तुम्हारी पोती को पूरी दुनिया दिखेगी, लेकिन तुम नहीं दिखोगे। जिस दिन पीर बाबा का दरबार बनकर तैयार हो जाएगा, वहां पर चिराग रोशन होंगे, सेवा होगी, उस दिन आप ही से नजर आने लगोगे। लेकिन जब तक दरबार तैयार नहीं होता, तुम इसे नजर नहीं आओगे। यह सुनकर उन्होंने सरकार को सलाम किया, दरबार पे सलाम किया, पीर बाबा की बात को माना, बाबा गुरुदेव चंद जी की बात को माना, दरबार बनाना शुरू किया। उसी दिन से उसकी पोती को दिखना शुरू हो गया, घर के हालात सुधरने लगे, काम मिलने लगा, बरकत आने लगी। जब सरकार का दरबार पूरी तरह तैयार हो गया, तो सरकार ने बहुत रहमत की, पहले से 10 गुना ज़्यादा उनको दे दिया। पहले 3-4 गाड़ियाँ थी, अब 10-12 गाड़ियाँ हैं उनके पास, और बहुत बड़ी कोठी उन्होंने गांव में पाई हुई है, और पास में दुध पुत धन दौलत रुपया पैसा बेशुमार हैं, और बड़े सरदार के नाम से उन्हें जाना जाता है। सरकार ने बहुत रहमत की उन पर। सो जय कृष्णा था लखदत्ता लाला मलि सरकार का, बाबा गुरुदेव चंद जी का। सो हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी पीर बाबा के दरबार की, उनके चिरागों की, कभी किसी फकीर की बेअदबी नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। अगर हम इज्जत नहीं कर सकते तो हमें बेअदबी भी नहीं करनी चाहिए, किसी की बेइज्जती भी नहीं करनी चाहिए। पीर बाबा के सम्मान को, दरबार को कभी गलत नीयत से नहीं छूना चाहिए, नहीं तो इसका फल हमें बहुत बुरा मिलता है, परिवारों के परिवार उजड़ जाते हैं। इसलिए ऐसी गलती आप कभी ना करें, इज्जत करें, सम्मान करें, सेवा करें, चिराग करें, हर वली फकीर पीर बाबा पैगंबर औलिया सभी की इज्जत करें, कभी किसी को बुरा भला ना बोलें।